राइट गाइस, तो गेम स्टार्ट करने से पहले हमें अपना कैरेक्टर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं, मैं ये चूज कर सकता हूँ, ये चूज कर सकता हूँ, ये चूज कर सकता हूँ, बट नहीं, मुझे मुझे एक मेल कैरेक्टर चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, ये है, ये है, ये भी है, और भाई ये थोड़ा सा डेंजरस है। दादाजी विद 8-pack abs, देख रहे हो तुम बॉडी? ये चूज कर लो यार, लुक वुक भी बहुत खतरनाक सी है। बट नहीं यार, मुझे एक कूल डिसेंट बॉय चूज करना चाहिए, एकदम शरीफ सा। वैसे बॉडी शॉडी तो इसकी भी है, तो ये ठीक है। वैसे मैं इसकी बॉडी वॉडी चेंज कर सकता हूँ, मतलब मैं इसके अगर डोले का साइज बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकते हैं। देख रहे हो ये भाई 22 इंची का डोला लग रहा है मुझे तो, बट नहीं यार ये बहुत गंदा दिख रहा है। पेट भी बढ़ा सकते हैं, थाई भी बढ़ा सकते हैं। अबे ये क्या भाई, अगर मैं ये दो कम कर दूं, ये बढ़ा दूं तो I'm sorry. Okay, तो बस मुझे स्किन टोन चेंज करनी है, कुछ ज्यादा ही गोरा चिट्टा हो रहा है, थोड़ा सा नेचुरल टोन में लाते हैं। फेस मैं चूज करूंगा, अगर मैं इस पे लड़की वाला, छी भाई ये देख रहे हो तुम? नहीं, मुझे ये कैसा है? बियर्ड थोड़ी सी मैचिंग तो हो रही है इसके, भाई ये भी वैसे काफी कूल है। और अबे नहीं यार, ये चाहिए मुझे, देख रहे हो भाई आईब्रो पे क्या कट लगा है, और दाढ़ी भी फुल बढ़िया। चलो ये तो एकदम परफेक्ट हो गया। आईज मुझे नहीं लगता कि मुझे चेंज करनी चाहिए, अगर मैं हटाई दू तो खतरनाक लग रहा है। आईज को मैं उल्टा कर सकता हूँ। नहीं यार, आई थिंक आई अपनी बढ़िया है। आई कलर मैंने एकदम लाइट स्काई ब्लू कर दिया भाई। आईब्रो एंड हेयर कलर यार ब्लैक रखते हैं ऑब्वियसली। लास्ट में आता है हेयर्स में भी काफी सारे ऑप्शन है, बट मुझे ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा यार। ये वाला कर देगा यार, ये भी काफी सही दिख रहे हैं, तो फिर इसमें कलर मार देते हैं। चलो गाइस डन, अपना कैरेक्टर फुल रेडी है। ओके, शायद से हम लोग सो के उठे और हमें कोई 2-3 पोकेमॉन्स देख रहे हैं। ओह, ये हमें देख के बेचारा डर के ही भाग गए, और मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी एक आइलैंड में पहुंचे जहाँ पे हमारी बोट बुरी तरह क्रैश हो गई और हम लोग जस्ट बेहोश होके उठे हैं। हमारे सामने एक टैप पड़ा हुआ था, उस पर लिखा है द टावर्स आर द की, उसी में कोई ट्रुथ छुपा हुआ है। ओके, कुछ तो हमें हिंट मिला है, कोई टावर है, वहां तक हमें पहुंचना होगा। ऑलराइट गाइस, तो गेम चालू हो चुका है और आते ही हमें कुछ टास्क, कुछ मिशन मिल गए हैं, बट वो मैं बाद में करूंगा। फिलहाल पहले चलकर देखते हैं कि आखिरकार कितना ब्यूटीफुल ये वर्ल्ड है इस गेम का। भाई क्या ही प्यारी वाइब है भाई, चारों तरफ से चिड़िया की आवाज आ रही है, एकदम सुकून वाला माहौल है। बट एक सेकंड, वो सामने ये इतना बड़ा ट्री है क्या ये? भाई कितना ज्यादा बड़ा ट्री है, तुम खुद देखो, वो एक माउंटेन है और उसके पीछे ये ट्री है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, इस गेम में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। बट फिलहाल हम लोग ढूंढते हैं कुछ पोकेमॉन्स को। ये जो ये जा रहा है ना, इसका क्या नाम है, चिकी भी। ये देखने में तो तुम्हें एक मुर्गी जैसा लग रहा है, बट ये मुर्गी वाला पोकेमॉन है, इसे मारू क्या? हेलो, हाय चिकी भी, तू अटैक करती है क्या? हेलो, ओ तेरी अटैक करती है बहुत तेज। बस हो गया, सॉरी बोल रहा हूँ, निकल मार, मार दिया। चिकन मिला क्या? अंडा भी मिला और अपने को चिकी पी का वो मिला, लेग पीस। भाई ठीक है यार, इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन ढीला वीला नहीं है, सब लोग मेरे ऊपर अटैक करने आएंगे। और ये कौन सा पोकेमॉन है? कैटीवा। वैसे गाइस देखो, यहाँ पर ये जितने भी पोकेमॉन है ना, मैं इन्हें अपना बना सकता हूँ। आई मीन मुझे उसके लिए चाहिए होगा पोकेबॉल, ताकि मैं इन्हें कैप्चर कर पाऊँ। और पोकेबॉल बनाने के लिए मुझे पता नहीं क्या चाहिए होगा, बेसिकली मुझे क्राफ्टिंग बेंच बनाना पड़ेगा एकदम। ऐसे तो बहुत सारे इस गेम में वो है, तो हमको इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो अभी आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इसमें उछलते कैसे, उछलने का ऑप्शन? देखना पड़ेगा इसमें उछलते कैसे। ये उछल गया, इसमें F से मारना पड़ेगा शायद से। ये एक और चिकी पीनी सामने, चिकी पीनी शीप है, लैम्बोल इसका नाम है। ये तो अब पोकेमॉन में गया था ना, सही में भी उसके ऐसे घूम रहा है। इनको मारने का मन भी नहीं होता, इतने क्यूट से है ये। अब इसको पकड़ के इसको फालतू मारे, मेरे को मारना नहीं था अब ऐसे तो। अभी इसमें देखते हैं कि इनको मारने पे क्या मिलता है, जैसे कि इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा दिख रही है मेरे को, पर आखिरकार मर ही गए। इनको मारने से क्या मिला, वाइट कूल वगैरह सब मिला है। अब शीप ही थी वो एक तरीके की, तो उनसे वाइट कूल ही मिलेगा। तो अभी आगे चलते हुए देखते हैं,
इनसे तो उलझने का मन भी नहीं करता, पर अब खाने पीने के लिए करना पड़ेगा। और अभी तक टूल ही नहीं है कि लकड़ी हम उससे तोड़ लिए स्टेमिना बढ़ा। ये क्राफ्ट टेबल बना रहे हैं, मतलब पबजी आ गया पे। माइनक्राफ्ट में तो क्राफ्टिंग टेबल रहता है, इसके अंदर वर्किंग बेंच है। बीच में रख दी देखो इसमें ये 8-9 मतलब इसका डैमेज लगता होगा शायद से। हमको यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी वो भी मतलब हमारा बेस भी बनाना पड़ेगा। पर्ल बॉक्स और पर्ल स्पेयर और कैंप फायर और ये वुडन चेस्ट और एक टेंट हमने अनलॉक कर लिया है, तो इससे हमको अब उनको बनाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। तो पर्ल स्पेयर तो बन रही है, दो बन सकती है, एक ही बन रही है। वहाँ तो मेरे पास फेग्रेम प्लेयर्स दो थे ना, उसका नाम भी नहीं बोलता है, क्या लिखा हुआ नीचे को देने तो हिल जाएगी क्या। ये कैटिवा है, दोनों कैटिवा है। ये अटैक चेक कर करंट मार रही थी कचू जैसे, ये हो गई कैप्चर, तो ऐसी कैप्चर हो गई। तो पहले पूरा जीरो से स्टार्ट हो रहा था कॉलिंग में, तो ये ऐसे ही कैप्चर हो रही है। ऊपर कहाँ जा रही, ये शायद वहाँ अपने पैर बॉक्स में आ जाएगी। इसको मार रही है ये ही मार रही हमको, ये हमारी वाली है, दूसरी है हमारी वाली से मर गई गाइस। तो मारने कैसे आ रही थी मैं क्या, मेरा जरा कैमरा एंगल सही करूँ, कैमरा भी बहुत भारी है एक तो। सही है ना, काम करना अगले बार से मेरे को बताना कि मेरे को कैसा रखना। अब सही शॉर्ट बनाने के लिए भी इसमें शॉर्ट होती कि नहीं होती, शायद ही होती है। पहले तो पिकेक्स वगैरह सब फिर ये क्राफ्ट कर लेते हैं। ये बेरीज जो आती थी ना माइनक्राफ्ट में बेरीज, बस सेम टू सेम वैसी है इसमें। ये हम हमारे पोकेमॉन्स को भी खिला सकते हैं। इतनी देर तक मरी यहाँ पड़ी हुई है, अनलॉक कर लिया फास्ट लेवल। यहाँ पे भी आगे भी नहीं था, इसमें मेमोरिस्ट जो था वो मतलब मेरे बेस के आसपास ही होगा, मतलब यहाँ से हमको पहलगम पेरेंट्स स्कूल मिलता है इसमें। और नाम भी तो बहुत अटपटा है, ये शायद हर जगह मिल जाते हैं, तो इनको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं लगेगी।
यहाँ पे तो बहुत सारे पोकेमोन आ गए हमारे बेस पे। एक तो ये चिकलेट है, चिकलेट की चिकलेट था कि पिकलेट था आई डोंट नो। तो अभी आगे चलते हैं, यहाँ शायद मेमोरस से हमको लिखेगा नहीं आज नहीं यार। यहाँ पे शायद से वनोक्स मिला, गुमोक्स तो वो आते थे ना माइनक्राफ्ट में, वो चिप चिप ये रहा मेमोरस से। ये ज़रा ज़्यादा ही बड़ा दिखता है, मतलब इसकी हाइट और ये जो इसके जो कॉस्ट्यूम पे लगा हुआ है पत्थर पेड़ पौधे वगैरह, तो ये शायद नेचर का है। ये 38 लेवल का है, तो अपना तो बाप ही है, नहीं दादाजी है। ये आग वाला पौधे मैंने उसको मार, वो अब आग उगले ये गया भाई मार मार। ये शायद मर जाएगी चिकपी, चिकलेट है चिकी, चिकपी तो वो थी। अब तू भी मारना सुझा, इसका डैमेज इतना नहीं है तो फिर डरने की जरूरत है, बस आप कलेक्ट कर लेता हूँ। आ गई 73% मतलब आ गई ऑलमोस्ट हो गई है। चल ठीक है, और मेमोरस शो जो हमने देखा था वो जरा बहुत खतरनाक दिख रहा था, खतर होता है बिन लेते हैं। और ये पेंगुइन से ऐसे कुछ है, तो आगे चलते हैं। यहाँ ट्रेजर मिला है कुछ, इसमें से कुछ इतना खास नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो ये वो ब्लू वाले पोकेमोन जो दिख रहे थे वो भी शायद अच्छे ही रहते मेरे को लगता है। इसको पकड़ना है, वो जो चाह रहा है उसको पकड़ना है, वो भी शायद पानी वाला पोकेमोन है। मार उसको, अरे नीचे मत गिर जा, नीचे गिर जा, मारेगा ये छोटू बहुत खतरनाक है। इसको तो ये इतना भी खास पोकेमोन नहीं लग रहा, उसको देख के लग रहा है वो ऑटोमेटिक ही होगा, उसको इतना मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। तो अभी आगे चल के देखते हैं और कौन कौन से पोकेमोन इसमें है। ये सर आयरन है साइड में पड़ा हुआ, तो यहाँ पे ये इसको तो अभी देखा था, तो इसको पकड़ ही लेते हैं, ये शायद मार ही देगी उसको चोरी, इसको तो खा गई। इसको क्या हो गई, दिखी भी नहीं, इसके से पत्ते दिख रहे हरे हरे ऊपर के। तो अभी देखते आगे और कौन कौन से पोकेमोन मिलते हैं। ऐसे तो अगर रोज ही रोज पोकेमोन वाली वीडियो ही मिला, क्योंकि ये अलग गेम खेलने में मुझे बहुत मज़ा आया था। ये देखा, ये तो शायद वो एक तो पोकेमोन में भी आता है, इसे देखा है मैंने पोकेमोन में भी। ऐसा तो ये पाल से खा जाएगा, गया मर ही गया। ये भागो यहाँ से, जिंदगी जीना है, अभी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब मेरे को लगता है बेस पे जाना पड़ेगा, छोड़ दिया उसने पीछे साइड से, हाँ छोड़ दिया। वो आ रही है, सबकी जा रही है,
आ रही कि जा रही है? आगे ये इनको मारने से कोई मिलता भी नहीं है तो मतलब नहीं है। अभी हमने सिर्फ 2-3 पोकेमोन पकड़े और एक ये पिगलेट उसमें से अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि उसका अटैक भी बहुत अच्छा है और उसकी जो हेल्थ है वो भी ज़रा ज़्यादा है। तो वैसे मुझे बताना कि मैं पबजी में भी फेस गेम करूँ या ना करूँ। तो देखते हैं इसमें और कौन कौन से पोकेमोन मिलते हैं हमको। यहाँ पे ये कौन से, इसका नाम टेक्नोलॉजी नहीं जाती है। और ये पल्स क्या बोल रहा था, मैं क्या देना है, पल्स बॉक्स लेना। और इसमें मैंने ये सुना है कि अगर हम की बिल्डिंग करते हो और हमारे पॉकीमोन को हम हमारे बेस पे उतार दें तो वो हमारी हेल्प करते हैं जो भी बनाने में और क्राफ्ट करने में। ये तो मार गई थी, इसको लगा देते हैं। ये कितने मिनट बाद होगी, 10 मिनट। हमारा लेवल 4 है तो हमारे सारे पॉकीमोन भी तेज कर रहे हैं। ये तो लाइट से रही है यहाँ पे, वो कहाँ जा रही है? बेनो का काम अलग है, चलो फटा ये ठंडक नहीं लग गई। ये पीरियड सा सामने रहता है, ठंड लगती है। ये खड़े खड़े सो गया। क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर लेते हैं और एक हमने वहाँ करी और उसका कोई फायदा नहीं था। टॉर्च हैंड टॉर्च तो इससे ये चीज़ है तो हमारे हाथ में रहेगी तो मतलब की नहीं है। इसको दीवार पे टांग सकते हैं, ट्राई करेंगे एक बार। अब तो घर ही नहीं है, एक और पोकेमोन आ गया हमारे हाथ में। इसको भी रख देते हैं। मुझे यार ठंड क्यों लग रही है, मेरे प्लेयर को भी लग रही है, मुझे भी ठंड लग रही है। वो तो सामने अलग अलग टाइप के पोकेमोन दिख रहे हैं। अभी क्या करना देखते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कहीं और जाएंगे तो जो बड़े बड़े पोकेमोन रहेंगे वो हमको मारेंगे। तो अभी यहीं पर रहना बेटर है और जो क्राफ्टिंग वर्किंग करनी है वो रात में कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले बुक काट लेते हैं, तो बुक तो आराम से कट जाती है धीरे धीरे। चिप्स काफ कर लेते हैं और लग रही है लकड़ियाँ कैसे पड़ जाते हैं आड़े। बेरीज उठा लेते हैं, ये निकल रहे इनके मुँह से। फूल तो रहते हैं पर ये छोटे वाले पोकेमोन, वो सामने वाला पेड़ कितना बड़ा है। ये पिगलेट तो अपने वाले सुबह तक नहीं उठेगा तो हमको ये क्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। सामने कौन सी लैम्प वाला, हाँ लैम्प वाला ही है। तो देखते हैं, इसको अपग्रेड कर दिया मैंने तो एक और रख सकता हूँ मैं। वो आ गया ऊपर से, 35 तक पड़ेगा जा। तो क्या मतलब उसका, कैप्चर 5 लामास एंड ना बैठे अपने क्राफ्ट कर लेते। इसके लिए बूट लगेगा और बूट की बहुत कमी हो रही है आज। पता नहीं क्या है,
ऐसी कहा जा रहा है हो गई ना गाइस, ये रेडर माइनक्राफ्ट में जो आता था ना वो ये तो वो सेम टू सेम उनके जैसा उसमें करो ऐसे करा करता है। ये तो बहुत बहुत कूल है यार, ये पत्थर ला रहा हमारे लिए, इसने चार पांच पत्थर कर लिए। अब हम भी इससे और फास्ट फास्ट जो भी ये पल्स वो जो रहते ना पल्स के पत्थर उनको हम तोड़ सकते हैं और स्पीड में, तो फास्ट तो बेड बनाने पर क्योंकि हमारे पास वो नहीं था। अब इसको शायद से ऐसे खुले में रख सकते हैं, इसके लिए घर होना शायद से, तो इसके लिए घर भी बनाना पड़ेगा हमको। पहले शायद घर बनाते हैं फिर उसके बाद फिर देखेंगे, अभी तो कोई चलते अच्छी बूढ़े पट्टी करते हैं उसके बाद फिर घर बनाएंगे। एक बूढ़े इकट्ठे करने वाला तो अपने पकड़ना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आज के इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज हमने जो हमारा बेस था उसको हमने एक जगह कब्जा कर दिया, तो अब से वो बेस हमारा ही रहेगा। और हमने अभी दो नए पोकेमोन भी वहाँ उतार दिए, तो वो भी अपना काम करते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट गेमिंग वीडियो में, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।